नमस्कार, मैं रत्नेश्वर, आप मेरे फेसबुक राजखोल खबरें से लाइव देख रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे जो दृश्य, इस दृश्य को देख लोगों की जो सांसें हैं वो थम जाएंगी। इस जिस जो आपने किताबों में पुराणों में पढ़ा होगा कि जो नाग होते हैं वह शंकर जी के मंदिरों में पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बस्ती जिले का एक ऐसा गांव है जहां दिखाएंगे कि वह शंकर जी के मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। वह लगातार एक, मैं आपको सर्प दिखाऊंगा जिसमें क्लोज करके दिखाऊंगा कि एक सर्प जो है लगातार शंकर जी के फोटो और मंदिरों पर लगातार वह उनको छू छू करके, जिस तरीके से कहा जाता है कि वो प्रणाम कर रहा है और अपने जीभों से वह शंकर जी के तरीके से महसूस कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक और बेहद डरावना सा मंजर है। हम आपको दिखाएंगे जिस तरीके से, देखिए यह है, देखिए इनके जो फंड है उस पे फंड में किस तरीके से त्रिशूल का निशान बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से सर्प जो है वह शंकर जी के जो मंदिर है, घंटे हैं, उनको लपेट के बैठ गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अगर यह सर्प जो है अगर किसी को डस ले तो वह राम भी नहीं कहेगा, अंततः उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है, यह तस्वीर आपको कहीं ना कहीं देख के डरा देगी कि यह मंजर आप देख के डर जाएंगे कि महादेव जो मंदिर है, बाबा भोलेनाथ महाकाल है, उनके मंदिरों में यह सर्प निकला हुआ है। तो हमारे फेसबुक जितने राजखोल खबरें के फॉलोअर हैं और दर्शक हैं, मैं आपको ऐसा दर्शक कभी भी आप ऐसी तस्वीरें नहीं देखेंगे। हम आपको मिलवाएंगे जो यहाँ के घनश्याम बाबा